दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ रायपुर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और ईडी ऑफिस का घेराव किया। पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया और प्रदर्शन किया। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। रायपुर में भी मोहन मरकाम की अगुवाई में राहुल गांधी के समर्थन में और ईडी से जो पूछताछ हो रही है उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी को ईडी से नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस पूरे देश भर में आक्रामक हो गई है और पूरे देश भर में कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि ईडी दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर की बात करें तो यहां पर आप देखिए कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो मौन धारण कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस नेता है उनके हाथों में आप तख्तियां देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तख्ती लेकर के वो खड़े हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के साथ पूरा जो कांग्रेस पार्टी है वो खड़ा हुआ है। सत्यमेव जयते के भी जो तख्ती है वो कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है वो लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ देर में यहाँ पर ये जो कांग्रेस के नेता है वो ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो भी शुरू होगा। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने कल पूरे देश भर में पीसी की थी और यहाँ पर भी विवेक तन्खा ने पीसी की थी और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था। उन्होंने कहा था कि जो केंद्र की सरकार है उनका अड़ियल रवैया है और वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। इस वजह से कांग्रेस को इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके से ईडी के द्वारा नोटिस भिजवाया जा रहा है। एक तरफ से उन्होंने ये भी कहा था कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार की पुलिस की तरह से काम कर रही है, तो ऐसे आरोप यहाँ पर लगे थे और अब इनका मौन धरना शुरू हो चुका है और मौन धरने के बाद कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो यहाँ से रवाना होंगे और ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोलेंगे। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।